हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में जो है अपन पढ़ना शुरू करते हैं कंपोजिट स्लैब के बारे में। कंपोजिट स्लैब का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो बीच में पैरेलली तीन या चार मीडियम आ जाए, जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और मीडियम है और दूसरे मीडियम से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है अपनी ओरिजिनल पोजिशन से पास में आ जाता है या दूर चला जाता है, जिसको अपन ने अपेरेंट डेप्थ या अपेरेंट हाइट नाम से इस टाइप का अपन ने टॉपिक पढ़ा था। ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है अगर उसको दूसरे मीडियम से ऑब्जर्व करते हैं तो। ठीक है, वहां तो क्या था, सिंपल केवल दो ही मीडियम थे, एक मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा था और दूसरा मीडियम जिसमें ऑब्जर्वर था। ठीक है, अब यहां जो अपन पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिट स्लैब, यहां क्या होगा, एक मीडियम तो ऑब्जर्वर का होगा, एक मीडियम ऑब्जेक्ट का होगा और बीच में और भी मीडियम हो सकते हैं। ठीक है, दो तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं, इसलिए इसको अपन ने नाम दिया कंपोजिट स्लैब। ठीक है, तो कंपोजिट स्लैब के केस में कैसे क्या होगा, देखो जरा समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझना शुरू करते हैं। देखो क्या है, मान लो यहाँ पे खूब सारी स्लैब्स हैं, कंपोजिट स्लैब्स, फर्स्ट ये एक स्लैब आ गई, फिर ये दूसरी स्लैब आ गई, सबकी थिकनेस अलग अलग हो सकती है, ये थर्ड स्लैब आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट रखा है, ये यहाँ पे, या फिर मैं ऑब्जेक्ट को इधर रख देता हूँ, यहाँ पे यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस t1 है, t1 क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लास्ट वाली स्लैब से, और ये वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 है, और ये वाली जो स्लैब है इसका थिकनेस t2, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n2, नेक्स्ट वाली स्लैब का थिकनेस t3, n3, नेक्स्ट वाली स्लैब t4, n4, और लास्ट वाला जो यहाँ पे मीडियम आ रहा है वो हो सकता है इस ऑब्जेक्ट के मीडियम जैसा ही हो या फिर हो सकता है अलग हो, तो मैं अलग बना रहा हूं इस केस में, अलग बना लेते हैं। देखो ये लास्ट वाली डिस्टेंस जो है टी नोट लिख रहा हूं, टी ओ मान सकते हो आप, टी ओ मतलब ऑब्जर्वर, जहां से ऑब्जर्व कर रहा है ये ऑब्जर्वर आ गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने क्या मान लिया, NO। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहां पे कैसे बनेगी, ये जो ऑब्जेक्ट होगा इस ऑब्जर्वर के लिए कौन सी सिचुएशन पे इमेज बन रही होगी। ठीक है, पैरेक्सियल कंसिडर करेंगे, इसीलिए मैंने अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जर्वर को जस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाया है ताकि यहां से सारा का सारा नॉर्मल इंसिडेंस कंसिडर कर सकूं मैं, और जो रेज होगी उन रेज को मैं क्या मान लूंगा, पेरेक्शियल रेज है। ठीक है ना, तो क्योंकि अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे पेरेक्शियल वाला, वो डेरिवेशन में यूज होगा। अच्छा एक चीज, और डेरिवेशन पे जाऊं तो पहले तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको हर दम याद होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आपको हर बार याद हो, डेरिवेशन भी बता दूंगा मैं, पर डेरिवेशन आपको याद हो या ना हो चलेगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में ये नहीं है तो नीट वाले बच्चे इसका डेरिवेशन बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, जेई मेंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी स्किप कर सकते हैं, पर जो स्टूडेंट्स जेई एडवांस के लिए काम करना चाहते हैं उनको डेरिवेशन भी देखना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो मैं तो डेरिवेशन बताऊंगा लेक्चर में, बट आप जो आपके अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आप नीट वाले स्टूडेंट्स हो तो स्किप कर देना, जेई मेंस के लिए अपना टारगेट है तो स्किप कर सकते हो, पर जो बच्चे एडवांस के लिए काम करना चाहते हैं वो डेरिवेशन देखो उसका। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है डेरिवेशन, जो बच्चे जेई मेंस और नीट के लिए काम कर रहे हैं वो वही डेरिवेशन पे कॉन्सेंट्रेट करें जो एनसीईआरटी में है, ताकि आपका बोर्ड वाला काम हो जाए बस। ठीक है, बाकी डेरिवेशन पे ज्यादा अपने को ध्यान नहीं देना है। तो अभी तो मैं पहले फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ क्या फॉर्मूला है, उसके बाद लास्ट में अपन इसको डेराइव करेंगे कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। तो देखो क्या है, पहले फॉर्मूला बता देता हूं, ये ऑब्जर्वर है। अभी तो अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, लास्ट वाले लेक्चर में क्या था, यहां पे इस टाइप से कोई मीडियम था, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया और यहाँ ऑब्जर्वर था, तो यहां से एक रे आ गई, रिफ्रेक्शन होके जो है नॉर्मल से ऐसे चली गई और दो ही मीडियम आ रहे थे। अगर मान लो यहाँ पे भी बीच में एक और मीडियम आ जाता, ये एक मीडियम और आ गया, फिर एक और मीडियम आ गया, फिर ऑब्जर्वर आ रहा है, तो फिर ये वाला सिचुएशन भी यही हो जाता। मतलब ऐसी सिचुएशन में पैरेलल स्लैब्स आ जाए तो उनसे जो है रिफ्रेक्शन कराना है, तो रिफ्रेक्शन में इस टाइप के रिफ्रेक्शन वाले में क्या फॉर्मूला लगाना है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, बस फॉर्मूला याद रखो आप। ठीक है, फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा।
ठीक है, डेरिवेशन पे जाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, डेरिवेशन से तुरंत से इसको डिराइव नहीं कर पाते, तो डेरिवेशन में मैं बोलूंगा आप स्किप करो इस डेरिवेशन को, बस आप जो है इसका फॉर्मूला याद रखो। तो क्या है फॉर्मूला देखते हैं जरा। अब मुझे इमेज की पोजीशन निकालनी है, इमेज किसकी बनाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाऊंगा। ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ये रहा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर वाला मीडियम एन नोट, बाकी इतने सारे मीडियम बीच बीच में आ चुके हैं। तो देखो क्या है, ये जो पैरेलल स्लैब से रिफ्रेक्शन हो गया है, इन सभी के रिफ्रेक्शन के बाद में देखो कितनी बार रिफ्रेक्शन होगा, यहाँ पे यहां से रही चलेगी एक बार रिफ्रेक्शन, दो तीन चार, तो चार रिफ्रेक्शन के बाद में जो इमेज बनेगी उसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो फाइनल इमेज पोजिशन यहां लिख देता हूं, फाइनल इमेज पोजिशन फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है, आफ्टर फोर रिफ्रेक्शन, चार बार रिफ्रेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी, एक क्या होगा, दो तीन चार, ठीक है, चार बार रिफ्रेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी उसका पोजिशन मैं ऑब्जर्वर से देख रहा हूं। तो फाइनल इमेज पोजिशन फ्रॉम ऑब्जर्वर आफ्टर फोर रिफ्रेक्शन, तो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखता हूं मैं, वो जो डिस्टेंस होगी उसको अपन यहां से देखा जाए तो एपेरेंट डिस्टेंस, या अगर ये वर्टिकल में हो तो एपेरेंट डेप्थ, ऊपर हो तो एपेरेंट हाइट, इस टाइप से नाम भी लिखा होता है कहीं बुक्स में, तो मैं तो भाई डायरेक्ट डिस्टेंस लिख रहा हूं। और वो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी, देखो टी एपेरेंट से मैं इसको डिनोट करता हूं, ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने, टी एपेरेंट मतलब एपेरेंट डिस्टेंस, और इतना डिस्टेंस को क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी ओ, ये तो ओरिजिनल डिस्टेंस होना चाहिए, पर एपेरेंट डिस्टेंस है तो मैंने टी एपीपी मान ली, या एपेरेंट डिस्टेंस बोल सकते हो। तो ये क्या होता है देखो फॉर्मूला, टी वन अपॉन एन वन रिलेटिव प्लस टी टू अपॉन एन टू रिलेटिव प्लस टी थ्री अपॉन एन थ्री रिलेटिव प्लस टी फोर अपॉन एन फोर रिलेटिव प्लस टी ओ अपॉन एन ओ रिलेटिव। अब यहां पे ये जो रिलेटिव वाली टर्म देखना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एन ओ मतलब ऑब्जर्वर वाला मीडियम और रिलेटिव, ठीक है। अब ये जो एन वन रिलेटिव एन टू रिलेटिव एन थ्री रिलेटिव, ये वाला थोड़ा इस वाले फॉर्मूले में अलग पैटर्न है, ठीक है। ये एन वन रिलेटिव क्या है देखो मैं लिख देता हूं, एन वन रिलेटिव का वैल्यू है एन वन अपॉन ऑब्जर्वर, एन टू रिलेटिव क्या है एन टू अपॉन ऑब्जर्वर, एन थ्री रिलेटिव क्या है एन थ्री अपॉन ऑब्जर्वर, ऐसे एन फोर आ जाएगा, एन ओ रिलेटिव क्या है ऑब्जर्वर अपॉन ऑब्जर्वर, तो ये एन ओ रिलेटिव का वैल्यू तो बन आ गया बेसिकली, ठीक है। तो ये इस टाइप से फॉर्मूला है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर जो आपने पिछला वाला फॉर्मूला बताया था उसमें तो एन रिलेटिव क्या बोला था आपने, एन वन अपॉन एन टू बोला था या इंसिडेंट अपॉन रिफ्रेक्शन, तो यहां पहले वाले में एन वन अपॉन एन टू होना चाहिए, दूसरे में एन टू अपॉन एन थ्री, तीसरे में एन थ्री अपॉन एन फोर, पर ऐसा नहीं है, विश्वास करो, जिसको विश्वास नहीं है वो डेरिवेशन देख सकता है, ठीक है। अभी अभी मैं इसको फॉर्मूला लिखता हूँ, क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, विश्वास करो यही फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डेरिवेशन उन्हीं बच्चों को देखना है जो जेईई एडवांस के लिए काम करना चाहते हैं, सभी बच्चों को डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये टी एपेरेंट डिस्टेंस आ गई, पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है। मतलब यहां से अगर देखा जाए तो मेरे को ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज बन रही होगी चार रिफ्लेक्शन के बाद, वो कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब वो इमेज डिपेंड करेगा कि इधर शिफ्ट होगी या इधर शिफ्ट होगी। अगर ये टी एपेरेंट का वैल्यू जो है ये यहाँ की टोटल डिस्टेंस टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी जीरो के सम से ज्यादा आ जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो गया होगा। कम आ जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो गया होगा। तो मेरे को अगर शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट भी निकालना है तो वो भी निकाला जा सकता है, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट। तो शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट निकालूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, वो शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट जो है उसको कैलकुलेट करता हूं मैं कितना आ रहा है, तो उसको लिख दूंगा मैं टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी नॉट माइनस टी वन अपॉन एन वन रिलेटिव टी टू अपॉन एन टू रिलेटिव टी थ्री अपॉन एन थ्री रिलेटिव टी फोर अपॉन एन फोर रिलेटिव
और T5 नियम, T0 अपॉन n0, n और रिलेटिव का वैल्यू तो 1 आया क्या अभी मैंने यहां से देखा, तो ये T0 से T0 तो गायब हो जाएगा क्या, ये वाली टर्म से तो ये वाली टर्म गायब हो गई, तो शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट अपने पास कितना आ गया देखो, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव आ जाती है, ये वाली टर्म अगर पॉजिटिव आ गई मतलब ये डिस्टेंस कम रही होगी, ये डिस्टेंस कम रही होगी मतलब ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो गया होगा अगर पॉजिटिव आ जाती, ये वाली टर्म नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट बढ़ा रहा होगा, ये वाला ब्रैकेट बढ़ा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इधर पीछे आया होगा, तो मैं चेक करता हूँ T0 तो गायब हो गया, तो ये आ गया T1 माइनस 1 अपॉन n1 रिलेटिव प्लस T2 माइनस 1 अपॉन n2 रिलेटिव, T3 माइनस 1 अपॉन n3 रिलेटिव प्लस T4 माइनस n4 रिलेटिव, ठीक है। फॉर्मूला ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये फॉर्मूला याद रखो, और इस फॉर्मूले में ये जरूर याद होना चाहिए कि n1 रिलेटिव, n2 रिलेटिव, n3 रिलेटिव, n4 5 जितने भी स्लैब्स आ रही है बीच बीच में उन सभी का जो है रिलेटिव, ये रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखना है, ठीक है। तो यार ध्यान रखना मैंने जो फॉर्मूला लिखा है इसमें सारी की सारी डिस्टेंसेज आ रही है लाइन से, ऑब्जेक्ट का लास्ट वाली स्लैब से और फिर बीच में जितने स्लैब है और लास्ट वाला ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर वाला डिस्टेंस एज इट इज रह जाता है क्योंकि वो तो वही मीडियम से आ रही है ना, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा यहाँ पे भी इस टाइप से स्लैब बना दी जाएगी, तो ठीक है क्या दिक्कत है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो T1 वैसा ही हो गया होगा, ठीक है। और कभी नहीं बनाएगा तो नहीं बनाया तो क्या कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा ये अपीयरेंट डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस से ज्यादा आ रही है मतलब ये ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, ज्यादा डिस्टेंस पर लग रहा होगा, और कम है मतलब इधर लग रहा होगा, क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक हो गया अपना ये। अब इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ, अगर मान लो इस ऑब्जर्वर का मीडियम जो है, ऑब्जर्वर का मीडियम इन सभी मीडियम से रेयर है मतलब n1 n2 n3 n4 सबसे छोटा है no, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, पास में आ जाएगा, वही केस चिड़िया और मछली वाला, अगर चिड़िया मछली को देखती है तो मछली ऊपर दिखाई देती है, उसका अपेरेंट डेप्थ जो है ओरिजिनल डेप्थ से कम हो जाता है। अगर मान लो इन सभी मीडियम से ऑब्जर्वर का मीडियम डेंसर है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट उधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। और अगर बीच बीच में हो रहा है मतलब ऑब्जर्वर जो है n1 n2 से बड़ा, n3 n4 से छोटा, या फिर ऐसा को बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो उन सारे सिचुएशंस में क्या क्या हो सकता है, उधर इधर किधर भी शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा वाला पैटर्न डोमिनेटिंग है इनमें से, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादातर केस में ऑब्जर्वर जो दिया होता है वो एयर में दिया होता है, इसका मतलब ये इधर ही शिफ्ट होने वाला है, पास में आने वाला है, क्लियर है। तो आपको यहां तक की थ्योरी से क्या याद रखना है, केवल एक ये सिंगल फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन पे नहीं जाना। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, तो दोनों क्वेश्चन क्या देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या देखो, यहां पे मैंने बहुत सारे स्लैब्स बना लिए हैं, ऑब्जेक्ट रखा है एयर में, लास्ट वाली स्लैब की लास्ट वाली जो सरफेस है फर्स्ट फ्रंट सरफेस, उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, फिर एक मीडियम आ गया n इक्वल टू 2 का और उस मीडियम का थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट मीडियम n इक्वल टू 3 थिकनेस 18 सेंटीमीटर 1/8, नेक्स्ट पानी आ गया होगा 4/3 का और इसका थिकनेस है कितना 16 सेंटीमीटर, नेक्स्ट एयर आ गई 10 सेंटीमीटर का, नेक्स्ट n इक्वल टू 4 बहुत ज्यादा डेंसर है मीडियम आ गया और 24 सेंटीमीटर आ गया और लास्ट में एयर है ऑब्जर्वर वहां है। तो आपको बताना है क्या, कैलकुलेट शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर बनाया है, ऑब्जर्वर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का यहाँ से डिस्टेंस 15 दे दिया, सारे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे दिया, सारे स्लैब का थिकनेस दे दिया, कैलकुलेट शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट में किधर शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा ये बताना है, या फिर यहाँ से मैं डिस्टेंस भी पता कर सकता हूँ, यहाँ से जो भी डिस्टेंस आ रही होगी इन सभी टोटल डिस्टेंस से ज्यादा होगी तो उधर जाएगा और कम होगी तो इधर आएगा। मैं पहले ही बता दूं कि ऑब्जर्वर जो है इसका मीडियम रेयर है क्या, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट होगा, पास आ जाएगा, क्योंकि इतने सारे डेंसर मीडियम बीच में आ गए ना, मतलब इन सभी डिस्टेंस का सम करूंगा उससे कम डिस्टेंस आई हो जो एपेरेंट वाला फॉर्मूला करके मतलब ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये मैंने पहले ही आइडिया लगा लिया, ठीक है। अगर ऑप्शन इस टाइप से हो तो अपन सोच सकते हैं कि किधर शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट में, लेफ्ट में या राइट में,
तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिख लो एज इट इज, ठीक है, क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन में कुछ एडिटिंग नहीं करनी, ध्यान रखना क्वेश्चन प्रॉपर होना चाहिए, वरना जब रिवाइज करोगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रॉपरली लिखना है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो, 3 मिनट का टाइम है क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन होगी इसमें, मैं सोल्व कर देता हूँ कंटिन्यू में। देखो क्या है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, वो जो डिस्टेंस आई थी ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ सोल्व कर देता हूँ, जरा सोल्यूशन लिखता हूँ, क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर वो कितनी आ रही है, देखोगे लिख लेते। उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था t1 अपॉन n1 रिलेटिव, तो सबसे पहले t1 का वैल्यू कितना आ गया 15, n1 रिलेटिव 1/1, यहां वाले मीडियम जहां ऑब्जेक्ट है वहां एयर है और एयर में डिवाइड करोगे ऑब्जर्वर का तो 1/1 आ गया। सेकंड वाला ऑब्जेक्ट क्या आ गया, देखो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट 10 आ गया, तो 10 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो 2 हो गया, 2/1, ये n1 रिलेटिव n2 रिलेटिव। फिर नेक्स्ट 10 के बाद 18 आ गया, 18 में 3/1 कर दिया, नेक्स्ट 16 में 4/3/1 करूंगा, नेक्स्ट 10 1/1 और नेक्स्ट 24 में क्या करूंगा 4/1, नेक्स्ट क्या लिखूंगा, नेक्स्ट जो आएगा मेरे पास 10 1/1, क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस आई है एपेरेंट डिस्टेंस, इसको मैंने टी एपेरेंट नाम दिया था, तो टी एपेरेंट कितना आ गया देखो, 15 प्लस टी एपेरेंट जो आ रहा है 15, यहां से 15 आ गया, प्लस 5 ये 5 आ गया, प्लस 6 यहां से 6 आ गया, प्लस 4 और 3 12 आ जाएगा, कि इसको सॉल्व करूंगा तो 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 मल्टीप्लाई प्लस 10 ये 10 आ गया, प्लस 6 प्लस 10 ये तो इमेज का पोजीशन आ गया। अगर इन सभी को ऐड कर लेता हूं मैं तो कितना आ रहा है देखो, 15 और 5 20 26 28 38 और 10 48 और 6 54 64 सेंटीमीटर आ गया। शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट निकालूंगा, तो शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट क्या आ गया देखो, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद रखना आपको, एटी एपेरेंट निकाल लेना है। शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला, इन सभी का सम करना है पहले, मींस 15 प्लस 10 प्लस 18 माइनस प्लस 16 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 10 माइनस 64, तो ये कितना आ गया देखो, इस सभी को सॉल्व करोगे ना, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट तो देखना जरा क्या आ रहा है, ये 15 और 15 एंड 25 एंड 35 43 45 43 59 69 73 73 83 93 93 और 10 कितना हो जाएगा 93 और 10 मिलाऊंगा तो 93 प्लस 10 103 माइनस 64, तो ये कितना आ गया देखो, 103 माइनस 64 करोगे तो 39 आ रहा है, ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर है ये कम रही होगी, मतलब ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हो गया, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्ट शिफ्ट 39 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो मैं क्या बोल देता, ये नेगेटिव आ जाता मतलब ये जो अपीयरेंट डिस्टेंस है वो ज्यादा रही होगी, यहाँ पे आ गया होगा, मतलब अवे दी ऑब्जर्वर ये शिफ्ट हो जाता, ठीक है ना। तो ये अपना 39 आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का, तो ठीक है अगला क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो क्या है अगले क्वेश्चन में, क्या देखो ऑब्जर्वर है यहाँ पे मीडियम में, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.8 दिया है, फिर एक स्लैब आ गई, स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, नेक्स्ट स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है और उसमें ऑब्जेक्ट रखा है, और नीचे वाला जो मीडियम है उसका थिकनेस दिया है 20 सेंटीमीटर, ऊपर वाले का 15, यहाँ ऑब्जर्वर रखा है, ऑब्जर्वर के बारे में डिस्टेंस नहीं दिया कुछ, पर क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड एपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट,
यहां लिख दिया मैंने फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सीन बाय बिलो द सरफेस ए बी। ये सरफेस ए बी से नीचे की डायरेक्शन में होगी है, तो अपेरेंट डेप्थ की आपको कैलकुलेशन करनी है, अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कभी है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे ओरिजेंटल में, अभी वर्टिकल में स्लैब बनाई है, इस क्वेश्चन में क्या किया, उस स्लैब ओरिजेंटल में लगा दी। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा तो अब यहाँ जो ये वाला ऑब्जर्वर वाला मीडियम है, ये इससे तो डेंसर है बट इससे रेयर है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर यही वाला मीडियम, अभी मान लो ये वाला मीडियम 2 से भी ज्यादा हो जाता, मान लो यार 2.8 होता, इसका मतलब डेफिनेटली ऑब्जेक्ट नीचे शिफ्ट होता, अपेरेंट डेप्थ का जो वैल्यू है ज्यादा आ जाता। ठीक है, डेंसर मीडियम से देखते तो ओरिजिनल डिस्टेंस से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा डेंसर ऑब्जर्वर वाला होता। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। यहाँ फाइंड लिखा है छोटा छोटा सा, मैंने फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट सीन बिलो सरफेस ए बी। ये ए बी सरफेस से, ये जो ए बी सरफेस है ना, यहाँ पे आप ऑब्जर्वर को मान लो, जस्ट यहाँ ऑब्जर्वर को मैंने मान लिया, यहाँ पे ऑब्जर्वर वाला मीडियम 1.8 है, तो यहाँ अगर मैं ऑब्जर्वर को मान लूं, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो देखो क्या है इसमें, इजी है क्वेश्चन में, टी अपीरेंट, अगर तो टी अपीरेंट लिखता हूं मैं, आपको वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में बार बार नहीं बोलूंगा, टी अपीरेंट क्या होगा देखो, तो सबसे पहले तो यहां से शुरू करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट कौन से में, अब सुनना ध्यान से, सब में डिवाइड किसका होगा, 1.8 का, 1.8 का क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर 1.8 में है, तो सबसे पहले 20 डिवाइड बाई 2 अपॉन 1.8, फिर नेक्स्ट कितना आ गया 15, 1.5 डिवाइड बाई 1.8, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहीं पे है ना, ये वाली डिस्टेंस, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना ही रखूंगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब तो इसको सोल्व कर लेते हैं जरा, क्या आंसर आ रहा है यहाँ से सोल्व करने पे, तो यहाँ से जो है टी अपीरेंट आ जाएगा कितना अपना, ये 20/2 10 हो गया, और 10 × 1.8 तो 18 तो ये हो गया, प्लस ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 15 गया, ये भी 18 हो गया, मतलब ये आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ से इस ब्लैक वाले डॉट से कितना नीचे होगा, 36 पे एग्जैक्ट। अगर ये वाली सरफेस से यहाँ की डिस्टेंस देखूं मैं, तो ये कितना आ रहा है, 35 सेंटीमीटर, 20 + 15, और ये 36 पाया, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट हो गया होगा। क्लियर, इस ऑब्जर्वर के देखने पे। ठीक है, मतलब जो है वो डेंसर, इस मीडियम का डेंसर वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन है, और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनको कंबाइन करके। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक मिरर रोल लगा दिया जाए, कॉनकेव मिरर, और बोल दिया जाए उस कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी वो किस टाइप से इमेज बनेगी, तो फिर आपको यहाँ से रिफ्लेक्शन, पहले तो इन सभी का फॉर्मूला लगा के इन सभी के थ्रू जो इमेज का पोजिशन निकालना है, फिर उसके साथ रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा देना। ऐसे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाए ऑब्जर्वर को उठा के, और ये डिस्टेंस दे दिया जाए, ये पोल है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे, पहले तो इन सभी को हटा के इनका इफेक्टिव लगा लूं मैंने। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट लगा लिया, फिर इसके साथ फॉर्मूला लगा के, फिर रिटर्न वाली रे में रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाना होगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेसिक ये तो समझो पहले, ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब आगे जो है, आगे जब मिरर के साथ क्वेश्चन आया ना, तो इतनी सारी स्लैब नहीं लगाएगा फालतू, एक स्लैब लगाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे, तो उस टाइप के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करनी है वो आगे मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, पहले यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए, अगर ये वाला क्वेश्चन आपका सही था तो ठीक है, गलत था तो कॉपी कर लो, नेक्स्ट समझते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या सॉल्व करना, देखो पहले अपन इस फॉर्मूले का प्रूफ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ मैं वापस बोल रहा हूँ, ओनली जेई एडवांस वाले स्टूडेंट्स के लिए ही काम का है, मतलब उनको समझना चाहिए, बाकी बोर्ड वाले स्टूडेंट जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या नीट के लिए प्रिपेयर, या जेई मेंस के लिए प्रिपेयर, वो इस डेरिवेशन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है डेरिवेशन देखो समझ लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसको डिराइव कर रहा हूँ या प्रूफ कर रहा हूँ, किसका प्रूफ है, प्रूफ किसका कर रहे हैं अपन, रिफ्रेक्शन थ्रू कंपोजिट स्लैब। ये जो भी अपन ने हेडिंग लिखा है, रिफ्रेक्शन थ्रू कंपोजिट स्लैब, जो कंपोजिट स्लैब्स आ गई है 1-2, अभी मैं जो डेरिवेशन करूंगा उसमें ज्यादा स्लैब नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा स्लैब लगाऊंगा उतना ज्यादा अपना डेरिवेशन का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, एक स्लैब लगाते हैं, बस एक स्लैब लगा ली है। ठीक है, और एक स्लैब में ही मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा,
और एक स्लैब के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट रख लिया, मान लो यहाँ तो मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया, यहाँ ऑब्जेक्ट रख लिया, और ऑब्जेक्ट का मीडियम जो है एन वन, एन वन मान लिया, एन वन तो ऑब्जेक्ट का मीडियम आ गया, और ये डिस्टेंस जो है टी वन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टी वन हो गई। नेक्स्ट वाली डिस्टेंस टी टू आ गई, इसका स्लैब एन टू हो गया, और यहाँ पे जो है ऑब्जर्वर है वो टी ओ, और ऑब्जर्वर जो मीडियम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो ऑब्जर्वर वाला एन ओ हो गया, यहाँ ऑब्जर्वर रखा है। ठीक है, अगर इतने में समझ आ जाएगा तो बाकी वो स्लैब में भी आप लगा सकते हो इसीलिए। तो देखो इमेज बनाना शुरू करते हैं, पहले जो है कितने रिफ्लेक्शन होंगे यहाँ समझ लेते हैं। एक तो यहाँ जाके रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, फिर फाइनल इमेज बनेगी इस ऑब्जर्वर के लिए। तो शुरू करते हैं जरा रिफ्लेक्शन। तो देखो पहला इमेज तो कैसे बनाओगे, इमेज बनाने के लिए आपको दो इंसिडेंट रे चाहिए, और दोनों इंसिडेंट रे जहां इंसिडेंट रे कट कर रही होती हो तो ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या हो जाएगी जहां पे रिफ्रेक्टेड रे ने कट किया। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इमेज का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, और रिफ्रेक्शन में क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रेक्टेड रेज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ कट करेगी इमेज बनेगी, रिफ्रेक्शन में क्या है जहां रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्शन होने के बाद में जो रिफ्रेक्टेड रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो इमेज रहेगी। तो यहां से मैं दो रे बना देता हूँ, पहले तो एक रे तो मैंने ये चला दी, ये रे तो एज इट इज आगे बढ़ जाएगी यहाँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल इंसिडेंस वाली हो गई, आई जीरो आर जीरो, यहाँ भी आई जीरो आर जीरो, यहाँ भी आई जीरो आर जीरो, ये रे तो एज इट इज चली गई। ये रे इसलिए लेता हूँ मैं क्योंकि ये वाली रे इजी है। अब एक रे का अगर मैं सही से सिंगल रे डायग्राम बना लूँ ना तो आंसर आ जाएगा मेरा। अब समझते हैं जरा किस टाइप से आएगा आंसर। दूसरी रे चला लेता हूँ मैं यहाँ से, देखो दूसरी इंसिडेंट रे आई आ गई, ये इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रही है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया पहले सरफेस पे, ये डैश डैश लगा के जो है मैंने क्या नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है, अब ये वाली रे रिफ्रेक्शन के बाद किधर जाएगी, नॉर्मल के पास या नॉर्मल से दूर, वो तो डिपेंड करेगा एन वन एन टू की वैल्यूज पे। अगर एन वन डेंसर है तो पास आ जाएगी, एन वन रेनर है तो दूर चली जाएगी। अब मैं तो ये मान लेता हूँ कि एन वन डेंसर मीडियम है और मैं पास ला देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दूर भी ले जा सकते हो। तो मैंने ये ला दी इस रे को पास में, यहाँ पे ये पास में आ गई इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ जो रिफ्लेक्शन हुआ ना, इस रिफ्लेक्शन के कारण जो है यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ इस मीडियम में कोई ऑब्जर्वर होता, इस मीडियम में अगर कोई ऑब्जर्वर होता ये, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगता, ये बेचारा जो ऑब्जर्वर है इसको क्या लग रहा होता कि ये वाली रे तो कहां से आ रही है, यहां से पीछे से, मतलब यहाँ इमेज आई वन बन गई। अब ये इमेज आई वन का अगर मैं पोजीशन निकालू यहां से यहां तक का, तो वो अपन फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा वाला, सिंपल अपेरेंट डेप्थ वाला। तो अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला क्या था, देखो अपेरेंट डेप्थ एच अपेरेंट इक्वल टू एच अपॉन एन रिलेटिव, ठीक है। ये एच क्या है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो यहाँ वाले ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, टी वन, ठीक है, टी वन आ गए, टी वन अपॉन एन रिलेटिव क्या लिखूंगा, एन रिलेटिव वहां उस फॉर्मूला में जो मैंने बताया था कि एन रिलेटिव इंसिडेंस अपॉन रिफ्लेक्शन, तो इंसिडेंट मीडियम एन वन हो गया, तो एन वन अपॉन एन टू, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आई है ना, ये ऑब्जर्वर की सरफेस, ये डिस्टेंस क्या आ गई T, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ ताकि वहां लिखना आसान रहेगा, एन टू टी वन अपॉन एन वन, यहां भी लिख दिया मैंने क्या, एन टू टी वन अपॉन एन वन, ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई एन टू टी वन अपॉन एन वन। अब क्या होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये दूसरी सरफेस आ गई, अब ये दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। अब ये दूसरी सरफेस के लिए अगर इस सरफेस से मैं डिस्टेंस देखूं तो यहां जो रिफ्रेक्शन हो रहा होगा इस वाले रिफ्रेक्शन के लिए ये I1 क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहां जो रिफ्रेक्शन होगा सेकेंड वाली सरफेस पे, उस सरफेस पे ये इंसिडेंट रे क्या, और इंसिडेंट रे यहां पे कट कर रही क्या, मतलब ये जो I1 है इस वाली सरफेस पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर इस वाली सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है, देखो ये हो गई एन टू टी वन अपॉन एन वन प्लस टी टू, यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस यहां तक की होगी।
अब अगेन यहाँ पे जो रिफ्रेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा ये वाला मीडियम रेयर है या डेंसर है। मैं मान लेता हूं ये मीडियम रेयर है, अगर ये मीडियम रेयर है तो ये रे ऊपर चली जाएगी स्टेप्स, और ये रे के ऊपर जाने से ये यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर वैसे पास पास रे बनानी चाहिए मुझे, पर क्या है कि यहाँ ज्यादा पास बनाऊंगा तो फिर वो जो है रे डायग्राम सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला ऑब्जर्वर जो यहाँ इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये वाली रे कहाँ से आ रही है, इसको आगे बढ़ा दो तो यहाँ से ऐसे आती हुई लगेगी क्या रे, मतलब फाइनल इमेज यहाँ पे बन गई मेरे पास I2। अब ये जो I2 का डिस्टेंस है उसके लिए अगेन ये फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं एच अपीयरेंट का। ठीक है, तो एच अपीयरेंट का फॉर्मूला लगाऊ मैं यहाँ से, तो इस सरफेस से डिस्टेंस कितनी आ गई, देखो ये वाली सरफेस से जो डिस्टेंस है सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखो डिस्टेंस ऑफ इमेज आई टू लिखता हूं, डिस्टेंस ऑफ इमेज आई टू फ्रॉम सरफेस, इस सरफेस को नाम दे देते हैं कुछ ए बी। ठीक है, ए बी या सी डी नाम दे दिया, ठीक ये वाली सरफेस को ए बी नाम दे दो, ए बी सी डी, ए बी सरफेस से डिस्टेंस तो ये आ गई। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आई टू, आई टू इमेज का डिस्टेंस जो है सी डी सरफेस से वो कितना आ रहा है, देखो वो हो जाएगा एन टू टी वन अपॉन एन वन प्लस टी टू, ये डिस्टेंस अपॉन, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं एच अपीयरेंट वाला, एच अपीयरेंट वाला जो फॉर्मूला लिखते हैं ना अपन एच अपॉन एन रिलेटिव, तो ये एच तो टोटल ही हो गया। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं एच अपॉन एन रिलेटिव वाला एच अपीयरेंट का, तो एच तो ये बड़ा सा हो गया क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही होगी, अपॉन एन रिलेटिव, एन रिलेटिव में क्या लिखूंगा, इंसिडेंट मीडियम एन टू अपॉन एन ऑब्जर्वर। अब यहां देखो ऑब्जर्वर वाला पॉइंट आ गया, ये ऑब्जर्वर आ गया, तो देखो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ रहा है, देखो ये एन टू से एन टू गायब हो जाएगा, तो टी वन अपॉन एन वन अपॉन एन नॉट आ गया, अगर इसको डिवाइड करूंगा ना मैं यहां से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, एन टू से एन टू गायब हो गया, तो टी वन अपॉन एन वन अपॉन एन नॉट आ गया प्लस टी टू अपॉन एन टू अपॉन एन नॉट आ गया। देखो ये वही फॉर्मूला आ गया, ये एन वन रिलेटिव ये एन टू रिलेटिव। ठीक, अब मैं अगर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज आई टू फ्रॉम ऑब्जर्वर देखूंगा, फ्रॉम ऑब्जर्वर से देखा जाए, देखो ये वाली डिस्टेंस तो कहां से आई, सी डी सरफेस से, ऑब्जर्वर से कितनी आ जाएगी, जो सी डी सरफेस से डिस्टेंस आई उसमें टी नॉट एड कर दू तो कितना आ गया, देखो टी वन अपॉन एन वन अपॉन एन नॉट प्लस टी टू एन टू अपॉन एन नॉट प्लस टी नॉट एन नॉट, ये प्लस टी नॉट लिख दू क्या। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, सिमेट्री बनाने के लिए ऐसा लिखा था मैंने, टी वन अपॉन एन वन रिलेटिव प्लस टी टू अपॉन एन टू रिलेटिव, और लास्ट में क्या लिखा था टी नॉट अपॉन एन नॉट रिलेटिव, एन नॉट रिलेटिव तो वैसे वन ही होगा, एन नॉट रिलेटिव क्या, एन और रिलेटिव क्या, ऑब्जर्वर अपॉन ऑब्जर्वर, तो वो तो वन ही होगा। तो फॉर्मूला डिराइव कर लिया अपने दो के केस में, अगर ये एक और स्लैब होती ना तो फिर एक और यहाँ भी लगाना पड़ता, उससे थोड़ा लेंथ ज्यादा हो जाता, यहाँ तक मैं आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्लियर है। तो ये अपन ने इस टाइप से इसका प्रूफ देख लिया है, प्रूफ सभी लोगों के काम का नहीं, पर जी एडवांस वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्यों आया। ठीक है, अब आगे देखो और क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तीन स्लैब लगाई गई है, इधर एयर है इधर भी एयर है, बीच में तीन स्लैब लगा दी वन टू थ्री, और यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है, आई इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे आ रही है, क्या बात पूछ रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट नेट डेविएशन इन इंसिडेंट रे आफ्टर ऑल पॉसिबल रिफ्लेक्शंस, ऑल पॉसिबल रिफ्रेक्शंस, जितने भी रिफ्रेक्शन है सब के सब हो जाए तो नेट डेविएशन कितना आएगा इंसिडेंट रे में। ठीक है, तो एयर आ गई यहाँ पे तीन मीडियम, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थिकनेस वगैरह कुछ नहीं दिया। ठीक है, इधर भी एयर है बट, तो क्वेश्चन नोट करो, वीडियो पॉज करो, एक मिनट में सोल्व करो, ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको क्लिक कर गया तो हो जाएगा वरना नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा सर डेटा इनसफिशियंट है इसमें, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देना होगा, लेकिन कुछ जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा तुरंत से, मोस्ट सॉल्व करता हूँ। देखो क्या है, तो देखो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, देखो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, अभी मीडियम जो भी हो दूर जाए नॉर्मल से, नॉर्मल के पास आए, मैं तो नॉर्मल के पास मान लिया मैंने। ठीक है, अब ये जो भी एंगल होगा मान लेते हैं आर वन, ठीक है, तो यही एंगल आर वन यहाँ होगा क्या, और यहाँ पे मान लो दूर चले गए, ये एंगल मान लिया अपन ने आर टू,
यही एंगल आर टू यहाँ हुआ गया, और यहाँ पे एंगल मान लिया मैंने आर थ्री, और यही एंगल यहाँ भी होगा क्या आर थ्री, और ये वाला एंगल आर फोर कितना होगा ये पता कर लेते हैं ये, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ लगा के देखता हूँ जरा, मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ हर जगह और ये चेक करता हूँ क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो पहली सरफेस में यहाँ स्नेल्स लॉ लगाऊंगा एयर के लिए, एन इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, जिसे मान लो ये एन वन मान लिया यहाँ पे, ये एन टू, एन थ्री, एन फोर, और ये भी एन वन हो जाएगा, ये दोनों एयर है, एयर है ना, यहाँ भी तो एयर है। तो देखो क्या करता हूँ, पहले यहाँ स्नेल्स लॉ लगाता हूँ इस पॉइंट पे, तो एन वन सही नहीं इक्वल टू एन टू सही आर वन, ठीक है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा लिया, इस पॉइंट पे लगाऊंगा तो देखो क्या लो आ जाएगा, एन टू साइन आर वन इक्वल टू एन वन सही नहीं, यहाँ लो आ गया एन टू साइन आर वन इक्वल टू एन थ्री साइन आर टू, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, ये वाली दोनों टर्म बराबर बराबर आ रही है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर है क्या। अभी ये सरफेस पे लगा देता हूँ स्नेल्स लॉ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एन थ्री साइन आर टू इक्वल टू एन फोर साइन आर थ्री आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वाला स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, एन फोर साइन आर थ्री इक्वल टू एन वन साइन आर फोर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब बराबर बराबर से ही है, देखो ये वाला वैल्यू इसके बराबर हो गया, ये वाला वैल्यू इसके बराबर हो गया, मतलब ये लास्ट वाली क्वांटिटी जो है वो फर्स्ट वाली क्वांटिटी के बराबर होगी, मतलब एन वन साइन आई इक्वल टू लास्ट वाली क्वांटिटी एन वन साइन आर फोर, एन वन एन वन गैप हो गया आई इक्वल टू आर फोर। ये वही आगे जैसे लेटरल शिफ्ट में पढ़ाया था ना मैंने, लेटरल शिफ्ट में क्या बोला था, जो पैरेलल स्लैब के दोनों साइड का मीडियम सेम हो, पैरेलल स्लैब के दोनों साइड का मीडियम, एक स्लैब लिया था या मीडियम लिया था, और उस स्लैब के दोनों साइड का मीडियम सेम होगा ना, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इसको इमर्जेंट रे बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगी, मतलब आंसर नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, नेट डेविएशन जीरो आ गया। बट कुछ न कुछ लेटरल शिफ्ट आ जाएगा, उसकी कैलकुलेशन मैंने नहीं पूछा आपसे, क्योंकि यहाँ पे तीन चार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं लेटरल शिफ्ट नहीं पूछ रहा हूँ, केवल नेट डेविएशन पूछा है। तो नेट डेविएशन क्या आ गया, जीरो। याद भी रखो, तीन चार पाँच छः सात आठ दस कैसा भी मीडियम आ जाए, वेरिएबल मीडियम भी आ जाए ना इवन, तो भी क्या होगा, अगर इंसिडेंट मीडियम फर्स्ट और लास्ट मीडियम अगर सेम सेम है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होगी। अभी मैं नोट लगा के लिख भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है। पहला अगला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं नोट लगा के समझा दूंगा आपको, ठीक है। नोट लगा के लिख दूंगा, आप भी कॉपी कर लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, एयर में है, ऑब्जर्वर भी इधर एयर में है, मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों का मीडियम सेम आ गया, ठीक है। बीच में एक n इक्वल टू थ्री बाई टू का एक स्लैब लगा है, n इक्वल टू थ्री बाई टू का एक स्लैब लगा दिया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द अपेरेंट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जर्वर। ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट v स्पीड से इधर आ रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को ये स्पीड कितना लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लो, ये फिर वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो, मैं क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। देखो स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है आपको, आपने पहले क्वेश्चन लिख लेना है, क्वेश्चन में एडिटिंग नहीं करनी है आपको, मैं क्वेश्चन में एडिट कर देता हूँ। तो देखो किस टाइप से सोल्व होगा क्वेश्चन आपको जो है, अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई है आपको, ठीक है। आपको सब चीजों को मान लो, जो भी पैरामीटर आपका एबसेंट है या नहीं दिया है उसको मान लीजिए, वो लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले तो मैंने ये यहाँ पे क्या क्या मान लिया, देखो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ तो x मान लिया, x कांस्टेंट है वेरिएबल है, देखो स्लैब तो रुकी हुई है क्या, ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो x वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब ये स्लैब का डिस्टेंस मैंने t1 मान लिया और ये ऑब्जर्वर का डिस्टेंस t2 मान लिया। अब पहले तो ये समझते हैं कि कौन कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। t1 t2 तो कांस्टेंट हो गया, और ये x वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है v है क्या, तो माइनस dx बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि x कम हो रहा है, ये इक्वेशन अपने को काम आ जाएगी यहीं पे, ठीक है। अब मुझे
क्या पता करना है, इस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी पता, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पता करना है। ठीक है, पहले तो ये पता करते हैं इसका एपेरेंट डिस्टेंस कितना है। इसका एपेरेंट डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया, देखो यहां से इस ऑब्जेक्ट से एपेरेंट डिस्टेंस, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए, तो एपेरेंट डिस्टेंस निकाल के उस डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एपेरेंट डिस्टेंस कितना आ गया देखो, एपेरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट, एपेरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम ऑब्जर्वर, फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी देखो, पहला तो उसको अपन नाम देते हैं कुछ एच अपेरेंट, क्या नाम दे दिया इसको, एच अपेरेंट, और एच अपेरेंट का डिफरेंशिएशन मुझे कैलकुलेट करना है, तो एच अपेरेंट कितना होगा देखो, सबसे पहले तो एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स वाला मीडियम अपॉन ऑब्जर्वर वाला मीडियम, फिर टी वन थ्री बाई टू अपॉन वन, फिर टी टू वन बाई वन। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये कैसे लिखा मैंने, वही फॉर्मूला कंपोजिट स्लैब वाला, T1 upon N1 relative क्या है, N1 मतलब N1 कौन सा है, T1 वाला मीडियम और ऑब्जर्वर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फिर T2 N2 relative, तो T1 ये आ गया, T1 N2 relative, next T2 1 by 1, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो क्या है, d by dt of h apparent, तो ये वाले का डिफरेंशिएशन तो dx by dt हो गया, ये वाले का डिफरेंशिएशन 0, ये वाले का डिफरेंशिएशन 0, मतलब आंसर dx by dt के जैसे ही हो जाएगा, और dx by dt तो का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस u, माइनस तो क्या बता रहा है, ओनली पास आ रहा होगा, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, इसका आंसर v आ गया यहां पर, तो ठीक है, ये आंसर v इसलिए आ गया क्योंकि ऑब्जर्वर का मीडियम भी क्या है, एयर है। अगर मान लो ऑब्जर्वर का मीडियम कुछ और होता तो यहाँ डिवाइड होता क्या, वो टू, ऑब्जर्वर का मीडियम मान लो टू होता तो यहाँ टू डिवाइड होता, तो यहाँ टू डी टू आ जाता क्या, मतलब वो वाली स्पीड हो जाती कितनी, टू वी। अभी सेम इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ एयर है, ठीक है, एयर के अलावा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों का मीडियम सेम है ना, तो वो वाला फैक्टर यहाँ से 1/1 से गायब हो जा रहा है, वरना कुछ अलग आंसर आता है। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन का मैं नोट लगा के लिख देता हूँ, देखो तो मैंने नोट लगा के लिख दिया, लास्ट क्वेश्चन में जो अपन ने लिखा था ना, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में, कि इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होगी कब, जब स्लैब के दोनों साइड का मीडियम सेम हो, तो मैंने लिख दिया इफ मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ कंपोजिट स्लैब्स, 3, 4, 5 जितनी भी स्लैब लगी हो, स्लैब के दोनों साइड का मीडियम सेम होना चाहिए, मतलब जहां ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जर्वर हो, स्लैब्स आर सेम, देन टोटल डेविएशन विल ऑलवेज बी जीरो। इसका मतलब जो फर्स्ट रे होगी जो ऑब्जेक्ट वाले मीडियम से इंसिडेंट होगी, और जो फाइनल वाली रे होगी जिसका रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वर वाले मीडियम में होगा, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, पर लेटरली शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला एक और पॉइंट समझाता हूं, देखोगे कभी क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं क्या, कि ऐसी बीच में एक स्लैब लगा दी जाएगी, एक ही स्लैब लगाएगी, एक स्लैब लगा दी जाएगी, दो तीन लगा दिया जाए तो दो तीन लगा देना, ठीक है। तो क्या देखो, शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने एक स्लैब लगा दी है और इस स्लैब के कारण ये ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हो जाएगा, मान लो मैं ऑब्जर्वर कर रहा हूँ, यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हो सकता है आगे यहाँ पे जो है क्वेश्चन दूंगा, अभी मैं यहाँ मिरर लगा दिया कोई भी मिरर, ठीक है, तो उस मिरर में इमेज बनानी होगी आपको, तो शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू पैरेलल स्लैब, तो ये फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा भी था क्या, ठीक है, टी वन माइनस वन अपॉन एन रिलेटिव, ठीक है, इसमें वन अपॉन एन रिलेटिव लिख देना होता है, दोनों साइड का मीडियम सेम होगा, इसमें यहाँ वाला मीडियम सराउंड वाला मीडियम दोनों साइड का सेम होगा, तो क्या लिख देना है, एन रिलेटिव एन स्लैब अपॉन एन सराउंड, ठीक है। वैसे भी आपको ऑब्जर्वर वाला मीडियम लिखना होता है क्या, अगर 4, 5, 6 स्लैब आ जाती तो फिर वो फॉर्मूला आपको पता है, शिफ्ट वाला बड़ा सा फॉर्मूला, ठीक है, T1 plus T2 plus T3 सबको ऐड करना, माइनस T1 upon N1 relative T2 upon N relative, यहाँ छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक ही स्लैब आए, तो एक स्लैब में ये यूज कर लो आप डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट स्लैब के लिए शिफ्ट कितना आ गया, T1 minus 1 upon N relative, N relative क्या है, N स्लैब upon N surround, ठीक है। अब यहाँ देखना, if N relative greater than 1, अगर N relative greater than 1 आ जाए, अगर N relative greater than 1 आ गया, then shift is along the incident ray, शिफ्ट किधर होगा, ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से उठ के यहाँ आ जाएगा, कब आएगा, जब एन रिलेटिव ग्रेटर देन वन हो, एन रिलेटिव ग्रेटर देन वन हो गया मतलब सराउंड और स्लैब में स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, वैसे मैंने बता भी रखा आपको, ठीक है, ये वाला मीडियम रेयर हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यही तो मतलब हुआ इस लाइन का भी,
ठीक है, n रिलेटिव ग्रेटर देन 1 है तो शिफ्ट इज अलोंग द इंसिडेंट रे, और n रिलेटिव लेस देन 1 है तो शिफ्ट विल बी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पीछे की डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पे शिफ्ट डिपेंड नहीं करेगा, कब, जब ये दोनों साइड का मीडियम सेम होगा। ठीक है, दोनों साइड का मीडियम भी अलग अलग हो तो फिर केस अलग हो जाएगा। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब, और यह कंडीशन लिख देता हूं मैं, क्या मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर सेम। ठीक है, अगर ये दोनों भी अलग अलग हो गए ना, फिर तो ये एन रिलेटिव भी गड़बड़ हो जाएगा, एन स्लैब अपॉन सराउंड। ऐसे सिचुएशन में भी क्या करना होगा आपको, वो जो बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था ना, एन वन रिलेटिव टी वन अपॉन एन वन रिलेटिव टी टू अपॉन एन वन रिलेटिव, वो फॉर्मूला उसके थ्रू शिफ्ट निकालना होगा आपको और फिर आंसर सोल्व कर लेना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो भी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ये सब फॉर्मूले जो है पेरेक्शियल के केस में वैलिड है या नियर नॉर्मल इंसिडेंस में, यहाँ भी लिख देता हूँ पेरेक्शियल, पिछले वाले फॉर्मूला में लिखना भूल गया, पेरेक्शियल में, पेरेक्शियल तो वहीं से चल रहा ना, पहले जो ये फॉर्मूला डेराइव किया था ना एच अपेरेंट वाला फॉर्मूला डेराइव किया था, एच अपेरेंट इक्वल टू एच अपॉन एन रिलेटिव। ठीक है, चिड़िया वाला क्वेश्चन, मछली वाला क्वेश्चन, और मछली ऊपर दिखाई देती है, उसमें अपने नॉर्मल इंसिडेंस माना था, एक दूसरे के ऊपर बनाया था दोनों को। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले अपन पढ़ रहे हैं सभी पेरेक्शियल के लिए वैलिड है, बस एक सिंगल फॉर्मूला ऐसा था स्नेल्स लॉ, n1 sin i n2 sin r रिफ्लेक्शन में, जिस फॉर्मूले में अपन ने पेरेक्शियल कंसिडर नहीं किया था। ऐसे रिफ्लेक्शन में एक सिंगल फॉर्मूला i इक्वल टू r, उसमें अपन ने पेरेक्शियल कंसिडर नहीं किया था, बाकी f इक्वल टू r बाई टू और मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन सब में पेरेक्शियल वाला कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड, एक तो डायरेक्ट शिफ्ट ही पूछ लिया जाए या फिर दूसरा या मिरर लगा दिया जाए, तो वो दोनों क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। देखो तो इस नोट में बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्वेश्चन लिखे मैंने, तो नोट लिखा था ना मैंने शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट, तो पहला वाला क्वेश्चन में देखो क्या है, पहला मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, शिफ्ट का फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाए पहला दूसरा, तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया है। तीसरा क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप क्वेश्चन में यूज होता है वो। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, बीच में एक स्लैब लगा दी 3 सेंटीमीटर का और स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इधर कुछ नहीं बोला मतलब यह मान लेना है, कैलकुलेट शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में कितना शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा ये बता देना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी लगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगेन ये 3 सेंटीमीटर का स्लैब है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है और यहाँ पे कन्वर्जिंग बीम आ रही है, कन्वर्जिंग बीम का मतलब ये जो बीम, अगर ये स्लैब नहीं होती तो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है क्या, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में अगर पहले ही यहाँ रिफ्रेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उस रिफ्रेक्शन के केस में जो है मुझे क्या करना होगा कि कितना शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में भी ये है। और थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ एक स्लैब लगा दी, बीच में स्लैब लगा दी है और यहाँ मिरर लगा दिया, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का जो है ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना आ गया, कॉनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस दिया है आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस 21 सेंटीमीटर का तो डिस्टेंस आ गया, इसका रेडियस ऑफ करेक्शन 20 सेंटीमीटर दिए, स्लैब का जो थिकनेस है वो आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म बाय मिरर, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले ये बेसिक वाला, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट रियल है, इसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल रहा होगा। ठीक है, ये इंसिडेंट रहे तो यहाँ कट तो नहीं कर रही, तो एक्सटेंशन यहाँ कट करेगी है, और ये थर्ड वाला कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करता हूँ मैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ। मैंने आपको शिफ्ट का फॉर्मूला बताया, शिफ्ट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, थिकनेस 1 - 1/ एन रिलेटिव, ये एन रिलेटिव का मतलब स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो सराउंड के बारे में कुछ नहीं बोला तो अपन क्या मान लेंगे 3/2 / 1, स्लैब का तो 3/2 हो गया, सराउंड का है मान लिया, तो यहाँ से शिफ्ट का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 3 1 - ये आंसर हो गया 1 - 2/3, तो 3 × 1/3, तो 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है 1 सेंटीमीटर इधर पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो इसको यहाँ ये डिस्टेंस देख लो, ये वाली डिस्टेंस जो भी होगा उससे 1 सेंटीमीटर इधर आएगा। आपको पता भी लग रहा है क्या कि मीडियम जो है, ये स्लैब का मीडियम ज्यादा डेंसर है यहाँ सराउंड के,
तो राइट साइड में शिफ्ट होगा, ऐसा मैंने आपको नोट पिछले फॉर्मूले में मैंने बता दिया था, ठीक है। एज ए सेम कहानी इसमें भी करनी है, इसमें भी वही है, क्या देखो सारा डेटा वही है, तो इसमें भी किधर शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया होगा 1 सेंटीमीटर, मतलब इस पॉइंट की जगह यहाँ इमेज बनेगी इसकी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन के कारण ये मुड़ जाएगी, फिर मुड़ेगी और यहाँ आ जाएगी फाइनली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये सोल्व कर रहा हूँ मैं, ये उसके जैसे ही हो गया एज इट इज, सेम आंसर सेम कैलकुलेशन। मैं अभी इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, थर्ड क्वेश्चन। तो पहले तो आपने थर्ड क्वेश्चन नोट कर लेना है, फिर सोल्व करने के लिए ट्राई करना है आपको कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, फिर मैं तो सोल्व कर ही दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, ट्राई करो, मैं सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी मिटा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन जो मैंने मिटाया है इस क्वेश्चन का सेम यही है, और राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। क्यों शिफ्ट होगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, क्योंकि जो है स्लैब का एन रिलेटिव ग्रेटर देन वन है। अब इसको सॉल्व करता हूं, तो पहले तो इसमें जो है मैं शिफ्ट निकाल लेता हूं, शिफ्ट वापस वही आएगा क्योंकि मैंने सेम डेटा यूज किया है, T1 - 1/n relative, तो आ गया 3, 1 - 1/3/2/1 करोगे तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया 1 सेंटीमीटर, मतलब इस ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करो तो ये 21 से 20 आएगा, अभी 21 से 20 आ गया, इसका मतलब ये जो रे है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी, इसका मतलब वो तो नॉर्मल इंसिडेंस होगी, ठीक है। मैं रे डायग्राम बनाता हूँ, देखो यहाँ से पहली रे तो इंसिडेंट रही है, एक रे तो इंसिडेंट ही है, जीटी चलेगी, ठीक है, ये तो रिट्रेस कर जाएगी। दूसरी रे क्या है, यहाँ से मैंने रे डायग्राम बनाया, मीडियम में रेनर एयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो ऐसा हो गया, फिर यहाँ से क्या होगा हल्का सा चेंज होगा, और ये वाली रे जो है यहाँ से आती हुई लगेगी, ये जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा इसके लिए, ठीक है, दो बार रिफ्लेक्शन के बाद, और ये जो डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर, अपन ने शिफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी बच गई यहाँ से यहाँ तक, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बच गई, इसका मतलब ये तो रिट्रेस हो गया, रिट्रेस हो गया तो ये वाली रे जो है नॉर्मल इंसिडेंस के बाद वापस एज इट इज जाएगी। और देखो पहले क्या हुआ, पहले तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया, उसका दोनों का फॉर्मूला अपन ने शिफ्ट में लगा दिया, फिर जब ये रिटर्न आ रही है ना, रिटर्न आ रही है तो वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए फाइनल इमेज वही बन जाएगी जहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो फाइनल इमेज है ना, फाइनल डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द मिरर, तो फाइनल इमेज कहां हो जाएगी, आंसर जो होगा फाइनल इमेज एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब जो आंसर अगेन आपका क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है, मिरर के 21 सेंटीमीटर फ्रॉम, तो आंसर हो गया 21 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, मिरर का जो पोल है ना उससे 21 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगी, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है ना वहीं की वहीं इमेज बन गई। वापस रे देखो, वापस शिफ्ट बताता हूँ, शिफ्ट निकाला 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हटाने के बाद 21 में से 20 बचा, तो फिर उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ से देखा नॉर्मल इंसिडेंस भी, अच्छा ये तो बाई चांस क्या हुआ, बाई चांस इसमें ऐसा हो गया कि ये 20 पे आ गया और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 था, अगर ऐसा नहीं होता, मान लिया कुछ और होता 20 की जगह 30, 40, 50, तो फिर क्या होता, आप एक बार मिरर फॉर्मूला लगा लेते, मिरर फॉर्मूला लगाने के बाद बी का वैल्यू कुछ ना कुछ आता, तो वो जो बी का वैल्यू आता ना, फिर उसको रिटर्न में भी शिफ्ट का फॉर्मूला लगा के फिर इमेज बनानी पड़ती, ठीक है ना, एक बार तो जाते टाइम शिफ्ट और फिर एक बार आते टाइम शिफ्ट करके इमेज बनानी पड़ती। और ये अभी तो क्या हुआ, मुझे पता लग गया सी पे था ऑब्जेक्ट तो सी पे इमेज बनेगी, वरना मिरर फॉर्मूला लगा के अपन सोल्व करते। तो इस टाइप से दोनों क्वेश्चन हो गए अपने। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये शिफ्ट का फॉर्मूला कैसा है, तो बता दो शिफ्ट का फॉर्मूला भी सेम उसी पैटर्न पर है जैसे अपन ने कंपोजिट स्लैब के लिए ड्राइव किया था ना, अगेन ये नीट वाले बच्चों के लिए और जेई मेंस वाले बच्चों के लिए काम का नहीं, आप तो बस फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। फिर भी मैं जेई एडवांस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं सोल्व कर रहा हूँ कि किस टाइप से आया ये, ठीक है, तो सोल्व करके देखते हैं जरा। देखो एक एक करके समझते हैं, पहले रियल ऑब्जेक्ट में शिफ्ट समझ लेते हैं, फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में शिफ्ट भी समझ लेंगे कैसा आता है, ठीक है। तो ये जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए, बाकी नीट और जेई मेंस वाले फॉर्मूला याद रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो समझते हैं जरा क्या है, देखो मान लो ये स्लैब आ गई एक, ठीक है, इस स्लैब का कुछ न कुछ थिकनेस दिया हुआ है, ये एक स्लैब ले ली मैंने, ये एक्सिस बना ली, यहाँ ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट लिख दिया है मैंने तो रियली हो गए हैं, अब इसका थिकनेस दिया हुआ है टी और सराउंड का मीडियम N1 मान लिया, दोनों साइड का मीडियम सेम N1, इधर ऑब्जेक्ट और यहाँ ऑब्जर्वर होगा N1 ऑब्जर्वर, ठीक है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 मान लिया, थिकनेस मैंने लिख ही दिया ऊपर टी है। तो देखो सॉल्व करते हैं जरा क्या है,
देखो पहले ये तो ये पैरेलल इंसिडेंस ये रहे जीटी चली जाएगी, सॉरी नॉर्मल इंसिडेंस होगी ठीक है। दूसरी रे क्या होगी, यहां से रे इधर आ गई ठीक है, ये रे जो है यहां आ गई। अभी डिपेंड करेगा कि एन वन एन टू का वैल्यू क्या है, एन वन दोनों साइड का मिनिमम, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर का सेम, स्लैब का एन टू। अब यहाँ अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इस नॉर्मल के बाद क्या होगा डिपेंड करेगा एन वन एन टू में ठीक है। एन वन एन टू का वैल्यू अब मैं मान लेता हूँ मीडियम डेंसर है ठीक है, मीडियम डेंसर होने पे क्या होगा, ये रे नॉर्मल के पास आ गई और इस टाइप से आ गई। अब ये रे जो है यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर होगा, जैसा मैंने वहां पे भी डेरिवेशन किया था ना, अभी यहाँ अगर कोई ऑब्जर्वर होगा ये, तो इस ऑब्जर्वर को ये रे कहाँ से आती हुई लगेगी, यहाँ से आती हुई लगने वाली है। तो ये वाली डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने मान ली टी वन, टी वन क्या है, पहले वाली से वो सरफेस है ना, उस सरफेस से को नाम देते हैं अपन ए बी, दूसरी को सी डी। टी वन क्या है, पहली सरफेस ए बी सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस, ये जो इमेज बनी है पहली इमेज, ये यहाँ आई वन जो बनी है, आई वन का पोजिशन निकालने के लिए मैं क्या करूँ, एच अपेरेंट वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ, एच अपेरेंट इक्वल टू एच अपॉन एन रिलेटिव। तो क्या हो गया, टी वन अपॉन इंसिडेंट मीडियम एन वन अपॉन एन टू ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो एन टू टी वन अपॉन एन वन। तो यहां से लगा के, यहां से लगा के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, देखो यहां से लगा के यहां तक की जो डिस्टेंस आ गई है ये कितनी आ गई, एन टू टी वन अपॉन एन वन ठीक। अब यहाँ अगेन क्या होगा, अगेन रिफ्लेक्शन होगा, तो ये वाली रे जो है ऐसे दूर चली जाएगी, ये वाली रे इस टाइप से दूर चली गई क्या। अब अगर ये नॉर्मल से दूर चली गई, यहाँ पीछे से देखने पे लगेगा रे कहाँ से आ रही, ये वाला एंगल जो है ना, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल बराबर होगा इंसिडेंट एंगल वाला। तो ये वाली रे इधर चली गई, तो यहाँ से लगेगा देखने पर कि ये रे यहाँ से आ रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पहुंच गया यहाँ से देखने पर। तो यहाँ जो फाइनल इमेज बनी ना ये आई टू, इसका डिस्टेंस कैसे निकाले देखो, यहां से डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो गया देखो, ये इसके लिए अगेन एच अपेरेंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, एच अपेरेंट का लिखूंगा एच अपॉन एन रिलेटिव। अब इसमें एच क्या हो जाएगा, यहां से जो है आई वन का डिस्टेंस कितना हो गया देखो, एन टू टी वन अपॉन एन वन प्लस थिकनेस ऑफ स्लैब अपॉन इंसिडेंट मीडियम अपॉन रिफ्रेक्शन मीडियम। अब यहाँ से देखूंगा तो ये क्या आ रहा है, देखो n2 अपॉन n1 से n2 अपॉन n1 गायब हो गया, तो यहाँ बचेगा t1 प्लस t अपॉन n2 बाई n1 ठीक है। तो ये यहाँ से डिस्टेंस आ गई, यहाँ से कितनी डिस्टेंस आ रही है देखो, t1 प्लस इसको लिख दूं मैं t अपॉन n2 अपॉन n1 ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल डिस्टेंस था ना यहाँ वाली सरफेस cd से, ये डिस्टेंस कितना था t1 plus t, यहां से कितना डिस्टेंस t1 plus t। तो शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट निकालूंगा ना, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट अगर मैं cd सरफेस से देखूं तो शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट कितना आ गया देखो, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो t1 plus t minus t1 plus t upon n2 by n1 ठीक है। t1 से t1 गायब हो गया तो शिफ्ट कितना आ गया देखो, शिफ्ट जो आ रहा है वो आ रहा है टी माइन टी कॉमन ले लो, तो टी कॉमन आ गया तो वन माइनस वन अपॉन एन टू बाई एन वन को क्या लिख दूं मैं, एन रिलेटिव क्या लिख दिया मैंने, एन टू बाई एन वन ठीक है, जैसा कि फॉर्मूला में भी था। तो ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया अपन ने शिफ्ट का, और ये ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया अगर ये वाला मीडियम डेंसर है तो ठीक है, और ये वाला मीडियम रेयर होगा तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की साइड ठीक है। तो अपन ने ये जो है शिफ्ट इन रियल ऑब्जेक्ट देख लिया, नेक्स्ट समझते हैं तो शिफ्ट इन वर्चुअल ऑब्जेक्ट ठीक है। फॉर्मूला रियल वर्चुअल दोनों में सेम आता है, पर डेरिवेशन जो है थोड़ा सा अलग है इसका, अलग क्या मतलब डायग्राम रे डायग्राम अलग बनेगा ठीक है। तो पहला तो ये कि रे डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आने चाहिए हर बच्चे को जो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए रे डायग्राम के लिए। अगर रे डायग्राम सही से बनाना सीखे ना तो ऑप्टिक्स का काम निमट जाएगा आपका ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा एडवांस में इससे। तो आप इसके लिए ट्राई करो, मैं रे डायग्राम बना के देता हूँ इसका कि किस टाइप से रे डायग्राम होगा, फिर आप खुद से ट्राई करना ठीक है। यहां से यहां का थिकनेस दे दिया टी ठीक है, टी तो इसका थिकनेस आ गया मीडियम का, और
ये मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन टू मान लो, इधर एयर एयर, ठीक है, एयर या मतलब एन वन एन वन दोनों में से। तो रियल ऑब्जेक्ट है, केस में क्या होता है, देखो ऐसे कन्वर्जिंग बीम आ रही होगी, ये कन्वर्जिंग बीम आ रही है यहाँ से और यहाँ से भी कन्वर्जिंग बीम आ रही है सेम पैटर्न की, ठीक है। अगर मान लो कुछ ना हो, यहाँ पे कोई मीडियम वगैरह नहीं होता, तो ये रे ऐसे कट करती गया, मतलब इस पॉइंट पे अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा होता, ठीक है, इस पॉइंट पे जो है आपका क्या होता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आपको इसमें शिफ्ट का कैलकुलेशन करना है कि कितना शिफ्ट होगा और क्यों होगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस t1 मान लो, आंसर आपका t1 से इंडिपेंडेंट होगा, इसको मैंने नोट में भी लिखा था कि जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस, ठीक है, या स्लैब से डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा। पिछले वाले में केस वन में भी देख लिया अपन ने, रियल ऑब्जेक्ट केस में भी ऐसा आ रहा था कि इंडिपेंडेंट आंसर आ रहा। तो देखो आप वीडियो पॉज करो और सोल्व करने के लिए ट्राई करो, मैं सोल्व कर देता हूँ इसमें। मान लो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब इस नॉर्मल से क्या होगा, ये रे जो है कौन से मीडियम में आ गई, रेरल मीडियम से डेंसर मीडियम, मतलब ये रे जो है, इसको मैं डैश डैश लगा के बढ़ा देता हूँ एक लाइन को, ठीक है। तो देखो क्या है, ये रे जो है रेरल मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के पास आ जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी, तो ये रे जो है यहाँ जाके कहीं जाके कट करेगी, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ कर दी हमने, नॉर्मल के पास आ जाएगी तो यहाँ जाके कहीं कट करेगी, ये तो आई वन इमेज बन गई पहली सरफेस पे रिफ्रेक्शन के कारण, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे पता करनी है कि कहाँ आ रही है ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस के लिए जो है क्या आ जाएगा, देखो ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ इंसिडेंट मीडियम कौन होगी एन वन, रिफ्लेक्शन वाला मीडियम कौन हो गया एन टू, और यहाँ से आते की डिस्टेंस क्या होगी टी। तो एच अपेरेंट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, तो देखो कितना डिस्टेंस आई है, एच अपेरेंट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, तो ये आ गया कितना एच अपॉन एन रिलेटिव। तो यहाँ से लगा के ये वाली सरफेस से, ये वाली सरफेस से यहाँ जहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा था उसका डिस्टेंस कितना है टी प्लस टी वन, ये तो टी प्लस टी वन आ गया, अपॉन इंसिडेंट मीडियम कौन है एन वन, रिफ्लेक्शन वाला कौन है एन टू, पहला वाले केस में तो एच अपेरेंट ही आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में समझ लेते हैं जरा क्या है, दूसरे वाले केस में क्या होगा, अब यहाँ से रहे ऐसे थोड़ी जा रही है, मैं डैश डैश लगा लेता हूँ, डैश डैश लगा लेता हूँ, यहाँ अगेन क्या हो गया नॉर्मल हो गई, यहाँ अगेन क्या हो गया नॉर्मल हो गई, ये रहे ये वाला एंगल तो इंसिडेंट हो गया, अब इंसिडेंट एंगल अब डेंसर से रेरल मीडियम में जा रही है क्या, डेंसर से रेरल मीडियम में जा रही है तो रे क्या होगी, डेंसर से रेरल मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर, तो यहाँ की आके, यहाँ की आके ये आई टू इमेज बनाएगी। अब आई टू इमेज का देख लेता हूँ पोजिशन क्या होगा, अगेन ये फॉर्मूला लगा दिया एच अपेरेंट इक्वल टू एच अपॉन एन रिलेटिव, ठीक है। तो एच की जगह तो क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ तक की डिस्टेंस लिखनी ना मुझे, यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये I1 की डिस्टेंस क्या आएगी, यहाँ यहाँ से लगा के I1 से लगा के ये वाली सरफेस की डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है टी वन प्लस टी टू अपॉन, इसको से लिखता हूँ टी वन प्लस टी टू एन वन अपॉन एन टू माइनस, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस टी वन नहीं है टी प्लस टी वन, ठीक है, टी प्लस टी वन अपॉन एन वन प्लस एन टू, वो तो यहाँ यहाँ से लगा के यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई आई वन तक की। अब मैं क्या करता हूँ, उस डिस्टेंस में से मुझे कौन सा डिस्टेंस हटा देना है, यहाँ सरफेस से आई वन का डिस्टेंस देखना है, सरफेस से आई वन का डिस्टेंस को माइनस टी कर दिया अपॉन इंसिडेंट मीडियम कौन हो गया, इंसिडेंट मीडियम जो हो गया यहाँ पे एन टू, और रिफ्रेक्शन वाला मीडियम कौन हो गया एन वन। तो एच अपेरेंट कितना आ गया, देखो एच अपेरेंट का भी निकालता हूँ मैं, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये इसमें से ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म को क्या लिखूंगा मैं एन टू अपॉन एन वन टी प्लस टी वन अपॉन एन टू बाई एन वन आ गया माइनस टी अपॉन एन टू बाई एन वन आ गया, तो ये वाली टर्म से तो ये वाली टर्म गायब हो गई क्या, ठीक है।
तो एच अपेरेंट का वैल्यू कितना आ गया, टी प्लस टी वन माइनस टी अपॉन एन टू अपॉन एन टू। ठीक है, अब मुझे शिफ्ट निकालना है, तो शिफ्ट कितना हो गया देखो, ये तो डिस्टेंस किसकी आई, आई टू की डिस्टेंस आ गई, आई टू की डिस्टेंस आ गई यहाँ से। अब मेरे को शिफ्ट निकालना है ना, तो ये वाली डिस्टेंस में से टी वन सब्ट्रैक्ट कर दूँ क्या, तो ये वाली डिस्टेंस में से टी वन सब्ट्रैक्ट करो जरा, टी प्लस टी वन माइनस टी अपॉन एन टू अपॉन एन वन, ये वाली जो डिस्टेंस आई है ना इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, टी वन, इसमें से अगर मैं टी वन सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और वो कितना आ रहा है देखो, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट ये टी वन से टी वन भाग गया, तो ये आ गया टी माइनस टी अपॉन एन टू बाई एन वन, तो ये आ गया टी अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन रिलेटिव। तो यहां से देखने को अपने को क्या पता लगा, यहां से ये पता लगा कि चाहे ऑब्जेक्ट रियल हो या वर्चुअल हो, शिफ्ट का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बस डिपेंड ये देखना है कि मीडियम जो है स्लैब का मीडियम डेंसर, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। देखो यहाँ से जो है लाइट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ गया, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, खुद से बनाने के लिए ट्राई करना। ठीक है, और चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। ये अपना रिफ्लेक्शन वाला जितना पार्ट हो सकता था मैक्सिमम मैंने कवर कर दिया। लास्ट वाला जो ये मैंने बताया रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये केवल एडवांस वाले बच्चे ही देखे, फालतू नीट वाले बच्चे या जेई मेंस वाले इसमें अपना दिमाग ना लगाए। ठीक है, बहुत तो आपका फालतू टाइम वेस्ट होगा, समझ भी नहीं आएगी फिर चीजें आपको। ठीक है, आप तो बस फॉर्मूला याद रखो, तो आज वाला लेक्चर में बस फॉर्मूला याद रखना, जेई मेंस और नीट वाले बच्चों को क्वेश्चंस कर लेना, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, थैंक यू।